गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज जो है हम संचयन पाठ पुस्तक पर आधारित एक नई कहानी को पढ़ेंगे, जिस कहानी का शीर्षक है सपनों के से दिन। सपनों के से दिन जो है गुरुदयाल सिंह ने अपनी बचपन की आत्मकथा का इसमें वर्णन किया है। कहानी के अंदर उन्होंने बचपन के विभिन्न गतिविधियों की चर्चा की है। उन गतिविधियों में सबसे पहला है बचपन के साथी और शरारत। लेखक के बचपन के जो साथी थे वो मजदूर परिवार के थे, जो हरियाणा राजस्थान से आए हुए लोग थे। वे लोग अढ़ातिये, परचून के या छूटक मजदूरी या माल ढोने का काम करते थे और अपने बच्चों को वो पढ़ाने के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कौन से कलेक्टर बनेंगे, और उसमें से ज्यादातर बच्चे की जो रुचि थी वो पढ़ाई के प्रति नहीं हुआ करती, और जब उनकी पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं होती थी तो वे अपने बच्चों को कहीं तालाब में फेंककर और अपना माता पिता के कामों में हाथ बटाने लगे। मास्टर जब उनके घर आते और कहते कि पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, तब वो कहते ये पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेंगे, ये लाला से इनको थोड़ा सा पढ़ना लिखना या हिसाब लिखना सिखा देंगे और बाकी ये मजदूरी करके अपना जीवन यापन करेंगे। लेखक का यहाँ ऐसा मानना था कि बच्चे को खेलना अत्यधिक पसंद था। ये सब विभिन्न भाषाओं के बच्चों के साथ खेलते और खेलते समय इसमें भाषा बोलते समय भाषा न समझते हो, परंतु खेलते समय सभी एक दूसरे की भाषा को समझ जाते हैं। और फिर वह स्कूल की दिनों की याद करते हैं कि उन्हें फूल पत्ती अत्यधिक प्रिय थे। जब वो स्कूल में जाते और स्कूल के आगे क्यारियों में वह तरह तरह के फूल लगे होते, उन फूलों को वह चंदू चपरासी से नजर चुरा कर वह तोड़ लेते और कभी कुछ दिन तक सोंगते या फेंक देते, कभी पुस्तकों में रख देते, कभी वह मेहमानों की बात खा जाते या कपड़े धोते हुए माता पिता जो है या माँ जो है उसे जेब से निकालकर फेंक देती, परंतु फूल तोड़ना उन्हें अत्यधिक अच्छा लगता था। लेखक को स्कूल जाना अत्यधिक कठोर लगता था, कठिन लगता था। इसका मुख्य कारण था कि उस समय जो है स्कूल में मारपीट करते, अध्यापकों के द्वारा उन्हें बहुत ही दंड दिया जाता था या मारा पीटा जाता था, और दूसरा था कि उन्हें वह पुरानी पाठ पुस्तकें ही पढ़ने के लिए मिलती थी, जिससे उनकी पढ़ने की प्रति जो है रुचि उनके मन में जागृत नहीं होती थी। लेखक का दूसरा है कि पढ़ाई के बारे में लोगों की सोच यह थी कि ये पढ़ लिख के कोई कलेक्टर तो बनेंगे नहीं, इन्हें जो है थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आ गया है और ये पढ़ करके अपने आजीविका चला सकते हैं। फिर स्कूल की छुट्टियां, तभी वह 1.5 महीने पढ़ने के बाद स्कूल की छुट्टियां हो जाती थी। उस स्कूल की छुट्टियों के होने के बाद सभी बच्चे अपना सारा समय खेल कूद में ही व्यतीत करते थे। वो तालाब में जाते, नहाते, रेत पे लौटते, फिर कूदते और फिर वह बाहर जाते, रेत में लौटकर शरीर में लगाते और नहाते, और कुछ दिनों के बाद उन्हें ननिहाल जाना होता और फिर वह अपने माता के साथ ननिहाल चले जाते। ननिहाल में जाकर खूब खाते पीते, वहां भी तालाब में जाकर नहाते। तालाब में नहाते समय वह अपने आप को अच्छा तैराक समझते, हाथ पैर हिलाते और तैरने का अभ्यास करते। कभी कभी अभ्यास करते समय वो गहरे पानी में चले जाते और वह डूबने लगते तो बाकी बच्चे उनका हौसला बढ़ाते और कहते कि किसी भैंस के सींग या पूंछ पकड़कर बाहर निकला, और कभी कभी वह पानी में डूबने के कारण वह गंदा पानी मुंह में भर जाता, खांसी आने लगती, परंतु उन्हें तालाब में नहाना अत्यधिक अच्छा लगता। उस स्कूल की छुट्टियों के दौरान उन्हें स्कूल का होमवर्क दिया जाता था। उस गृहकार में लगभग 200 सवाल होते थे, बच्चे उसका हिसाब लगाते। 200 सवाल दिए गए हैं, अगर 10 सवाल रोज किया जाए तो 20 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे या पूरे हो जाएंगे। बच्चे ये अनुमान लगाकर 20 दिन में यह काम पूरा कर लेंगे, बाकी दिनों में वह खेल कूद करके मौज मस्ती करके जीवन व्यतीत करते।
धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाता और 20 दिन नजदीक आ जाता। फिर सोचने लगते 10 के बदले 15 भी सवाल किए जाते हैं, उसके बाद समय और व्यतीत जाता, नजदीक आ जाता है अब स्कूल खुलने का समय आता, और फिर वो सोचते हैं कि 20 क्या 25 भी किए जा सकते हैं, और धीरे धीरे इसी सोच में समय खेलकूद में व्यतीत कर देते। और उन्हें शिक्षकों का मार का डर सताने लगता, तब उन्हें अपने मित्र उमा किया जाता। उमा ऐसा छात्र था जो पढ़ने लिखने या गृहकार्य करने के बावजूद मार खाना ज्यादा सस्ता समझता, बाकी मित्र भी उमा की तरह बन जाना चाहते हैं कि शिक्षक या मास्टर 2-4 दिन मारेंगे उसके बाद भूल जाएंगे, कौन गृहकार्य। उमा ऐसा छात्र था जो दिखने में दुबला पतला था पर उसका सर बहुत बड़ा था, ऐसा लगता है कि बंदर के बच्चे पे हांडी लग दी थी, छोटी छोटी आंखें थे, उसके सर को हम बम्बा कहते थे, रेल बम्बा कहा जाता था। वह मारते पीटते किसी को सर झुकाकर वह मारता तो उसकी हड्डी पसलियां एक कर हो जाती, उससे दुगने उम्र के बच्चे या ताकतवर बच्चे गिर पड़ते थे। स्कूल के जीवन में अध्यापक हेड मास्टर साहब, स्कूल का जीवन उनका स्कूल जो है वह यह चकार का था जिसमें हेड मास्टर साहब प्रार्थना खंड में आते और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ प्रार्थना में खड़े रहते, प्रार्थना होती और फिर वो अपने कमरे में चले जाते। वो मददगार थे, लोगों की मदद करते थे, नरम दिल थे और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, और वो 5वीं से 8वीं तक अंग्रेजी और फारसी पढ़ाते थे। अंग्रेजी और फारसी पढ़ाते समय जब वो कभी गुस्सा हो जाते तो अपनी 2 उंगलियों से बच्चे के गाल पर ऐसा चाटा मारते कि कमजोर विद्यार्थी भी मुस्कुराकर रह जाते। मददगार स्वभाव के लेखक के घर वाले पढ़ने और लिखाने के पक्षधर नहीं थे, अगर वह हेडमास्टर साहब न होते तो उसकी 5वीं कक्षा में ही उसका स्कूली जीवन समाप्त हो जाता, परंतु हेडमास्टर साहब एक धनाढ्य बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते थे, जब वह अगली कक्षा में चला जाता तो उसकी पुस्तकें जो है हेडमास्टर साहब लेखक को लाकर देते थे जिससे उसकी पढ़ाई जारी। किताब कॉपियों में या इंक खरीदने में या स्याही खरीदने में 2-4 रुपए साल के खर्च हुआ करते थे। इस प्रकार उनका मददगार स्वभाव के कारण लेखक की पढ़ाई स्कूली जीवन जो है पूरा हो सका। पर दूसरे अध्यापक जो थे अनुशासन प्रिय, प्रार्थना खंड में खास करके पीटी प्रीतम सिंह, प्रार्थना खंड में कोई भी बच्चा हिल जाता था या डुल जाता था या पिंडलियां खजवाने लगता था तो पीतल जब बाघ की तरह उस पर अटैक करते थे, आक्रमण करते थे और खाल खींचने की मुहारों को प्रत्यक्ष करते थे। तभी वो जब अगली कक्षा में आया तो प्रीतम चंद जो है वो फारसी पढ़ाने लगे और फारसी पढ़ाने के साथ साथ स्काउट भी कराते थे। बच्चों को स्कूल जाना सिर्फ स्काउट करना अत्यधिक प्रिय था। स्काउट का जब पीरियड आता बच्चे फौज की वर्दी पहनकर लाल पीली झंडिया लेकर स्काउट करते और बच्चे जब अच्छी तरह से 1-2-3 1-2-3 इस प्रकार करते और बच्चे जब कतार बंद होकर हाथों को हिलाते हुए वो स्काउट को करते तो वेरी गुड या शाबाश सब करके उनका उत्साह बढ़ाते। लेखक यहाँ मानता है कि सख्त स्वभाव वाले प्रीतम चंद स्काउट में जब वो शाबाश करते तो ऐसा लगता फौज के तबके मिला हो अर्थात उन्हें शाबाशी मिले, अर्थात पूरे साल कुछ नोटबुक में मिले वुड से बहुत अच्छा। परंतु उनका सख्त स्वभाव भी सामने आता है और वो जो कक्षा 5 में फारसी पढ़ाने लगते हैं और तब के अध्यापक ऐसा समझते हैं कि 2-4 दिन स्कूल आने पर वो सभी विषय को पारंगत हो चुके हैं, उन्होंने फारसी का शब्द रूप याद करने को कहा और कहा कल इसी क्लास में हम सुनेंगे। सभी बच्चे फारसी का शब्दरूप याद करके आने के लिए खूब रात भर पढ़ाई की, परंतु 1-2 बच्चे को छोड़कर किसी को भी शब्दरूप याद नहीं आया, या जो बता भी पाए तो उसमें कुछ भूले हैं। उन्होंने पूरी 4थी क्लास के बच्चे को मुर्गा बनाने का दंड दे दिया और पूरी क्लास को निकालकर कान पकड़कर मुर्गा बना दिया। उसी समय हेडमास्टर साहब वहां से निकलते हैं
और उन्होंने देखा कि कक्षा 4 के बच्चों को उन्होंने इस प्रकार का पनिशमेंट दिया है, दंड दिया। उन्होंने कहा कक्षा 4 के बच्चों को इस प्रकार का दंड देना चाहिए, और इससे इस पर वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रीतम चंद को शारीरिक दंड देने के कारण निलंबित कर। तब से वो शहर के पास एक कमरा लेकर भीगा हुआ बादाम खिलाते हैं, कुछ बड़े बच्चे जो हैं उनके घर जाते हैं और उन्हें दंड देने के थोड़ा भी मलाल नहीं होता है। अगर हमारे जैसे बच्चे वह देखते हैं कि प्रीतम जी इतने कठोर स्वभाव के हैं और पक्षियों को कितने प्यार से वो बादाम खिलाते हैं, तो प्रीतम चंद की इस दंड देने की प्रथा को इस पाठ में ज्यादा जोर दिया है कि बच्चे जो है स्कूली जीवन में दंड होने के कारण या दंडित होने के कारण वो स्कूल को छोड़ देते हैं। कहानी में इस दंड शारीरिक दंड के पक्ष को उभारा गया है, परंतु प्रीतम चंद जी को इसका कोई भी मलाल नहीं है। वो उन्होंने कहा कि मैंने जो किया वो सही किया, उन्होंने कभी भी हेडमास्टर साहब से माफी नहीं मांगी। इस प्रकार इस कहानी में बचपन की विभिन्न गतिविधियों को बहुत बारीकी से उकेरा गया है। बहुत ही रोचक कहानी है। विद्यार्थी, आप घर पर कहानी को आप एक एक करके उसके दृष्टांतों को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बचपन जो भी घटनाएं इस कहानी के अंतर्गत बताई गई हैं, वो आपके जीवन के पक्षधर हैं, आपके जीवन से मिलती जुलती होंगी और बहुत ही रोचक कहानी है। तो इस कहानी को आप घर पर अवश्य पढ़ें और पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हो।